49 का, तो 03 पे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 0.3 है, ठीक है ना। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.3 पे 2.3 पे 3.3 पे। तो एक बात मैंने आप लोगों से की थी कि जो टाइम पॉलीनोमियल है वो किस चीज़ को शो करते हैं, पार्टीशन ऑफ यूनिटी। आप इसको ऐड करें और मुझे बताएं कि बाकी पार्टीशन ऑफ यूनिटी है, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि वो जो हमारे पास वैल्यूज थी उसमें हमने पुट कर दी, सिंप्लीफाई किया, हमारे पास क्या आ गई है, एक्स ऑफ टी। सिमिलरली हमारे पास जो वाई ऑफ टी था वो हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब वाई ऑफ टी हम क्या कर रहे हैं, अब वाई ऑफ टी कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास क्या था, पी ऑफ टी हमने फाइंड करना था। तो पी ऑफ टी हमारे पास किसी को शो कर रहा है, बेजियर का। तो इसमें अगर किसी को समझ नहीं है तो वो पूछ सकता है क्वेश्चन, आज ये फिर मैं पूछ लेता हूँ। दो चीज़ें आप लोग पूछें या फिर मैं पूछ लेता हूँ। तो आप लोग ने वैसे पूछना नहीं है, अब आपके पास पॉइंट क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं। एक्स ऑफ टी का मतलब ये है एक्स के पॉइंट, वाई ऑफ टी का मतलब यह है कि वाई ऑफ टी। अब हमने कहा था ना आप ऑर्डर्ड पेयर लिख के दिए थे ना, समझ आ रही है, ऑर्डर्ड पेयर जी। अच्छा ऐसा करते हैं कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी, आपने उसकी बेजर का क्या किया, पॉइंट किए। अब मैं आपको एक पॉइंट दे रहा हूँ, ये पॉइंट आप लोग नोट कर लें अपनी बुक्स में, ये जो पॉइंट है ये आप नोट करें बेटा, आप रात में क्या है करें, ठीक है ना। अच्छा नहीं लगता कि क्लास में कुछ बच्चे मोबाइल, आप तो लिख रहे हैं ना, तो जो बाहर से बंदा गुजरेगा वो कहेंगे कि क्या प्रसन्न साहब क्लास भी पढ़ा रहे हैं, बच्चे मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा गाइड क्या करें। तो ज़्यादा बेजर कर फॉलोइंग पॉइंट्स, पॉइंट्स हमारे पास क्या है, 0 0 1 0 1 1 0 1 और फिर क्या है। चलो ऐसा करते हैं कि इसको हम क्या कर देते हैं, ओपन कर बना देते हैं, ठीक है। हम बेजर का बेसिकली हमारे पास क्या होती है, ओपन होती है, तो हम जो क्लोज वाला हमने पॉइंट ऐड किया था वो हम रिमूव कर देंगे, तो अब ये कर क्या हो जाएगी, ओपन ओपन हो जाएगी ना। इसके ऊपर जब हम बेजर का ड्रा करेंगे और वो जब हम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, तो वो इसमें से जो बेजर कर्व बनेगी हमारी, बेसिकली हम सपोज कर लेते हैं कि हमने 0 0 वाले पॉइंट क्या कर लिया, स्किप कर लिया है ना, यस सर। ये इसका क्या है, एंड पॉइंट, एंड पॉइंट से बेजर कर्व पास करेगी, तो बेजर कर्व हमारे कुछ इस तरीके से बनेगी, ठीक है। ये जो हमारी कर्व दरमियान में बनी हुई है ये बेसिकली क्या है, बेजर कर्व। बेजर कर्व की एक प्रॉपर्टी है कि वह एंड पॉइंट से पास करती है, यस सर। बेजर कर्व का जो केस है वो हम कब डिस्कस करते हैं, जब हमारे पास गिवन पॉइंट्स की गिवन पॉलीगॉन जो है वो क्या हो, ओपन हो। बेसिकली ये जो कर्व है कर्व से कर्व हम यूज करते हैं पॉलीगॉन, ओपन पॉलीगॉन और क्लोज पॉलीगॉन, ओपन कर्व और क्लोज कर्व। अच्छा ये मेरा सिंपल सा है, तो इसमें अगर और कोई ऐसा पॉइंट आप लोगों को समझ ना आया हो, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी आसान है, लेकिन आसान के लिए भी प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये भी मुश्किल हो जाएंगे, अगर आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो ये भी देखिए करनी है और उसकी जंपल भी दी है, रिपीट ऊपर करेंगे, ठीक है ना। आप ये देखें मतलब कर देंगे, चार पार्ट गिवन है, उनकी जगह पे हमने ये वाले पार्ट दे दिया, जो गिवन पॉइंट्स हैं वो ये हैं। अब हमने कहते हैं कि ये चार दिए ये वाले, और ये हमारे पास क्या है, इसका फॉर्मूला है। अब उस फॉर्मूले के अंदर हमने एक्सेप्टिंग फाइंड करना है, तो
फिर हमने क्या फाइंड करना है, बायोप्सी फाइंड करना है, और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमने क्या फाइंड करना है, बेजियर का। तो मुश्किल नहीं है, इंटरेस्टिंग भी है अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तब। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जब क्लास पढ़ा रहा हूँ तो बच्चे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी काम करें, क्योंकि इसलिए मैं लिखता बहुत कम हूँ। ये थोड़ी देर में मैं पेज जो है ना उन लोगों को फॉरवर्ड कर देता हूँ। जो असाइनमेंट की चीज़ें वो लिखा करें, जो मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पर फ्रैक्टल सब लिखूँगा वो आप नोट करें, बाकी जो हैंड आउट है वो आपको बड़े अच्छे तरीके से लिखे हुए कह चुका, ताकि आप लोगों को कोई भी इशू ना हो कि आपने कम अज़ कम कोई मिस्टेक भी ना हो ना। तो ये क्लियर हो गया। तो ये मैं हमने एग्जाम्पल भी कर ली है, तो एग्जाम्पल के साथ हमारे पास क्या है कि हमने डिस्कस करनी है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज में हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास दो पॉइंट है, एक पी जीरो है, एक पी एन, पी एन है, ये भी बेसिकली ये हमारे पास जीरो और एन वाले जो है ये क्या है, एंड पॉइंट होते हैं ना, एक इधर से एंड हो गया, एक इधर से हो गया, ऐसे है। अच्छा, क्या हम कह देते हैं कि बेजर कर इंटर को ले थ्रू एंड पॉइंट। अब इसके अंदर एक टर्म हम यूज करते हैं इंटरपोलेशन, और उसकी कंपैरिजन में टर्म क्या होती है, अप्रॉक्सीमेशन। इन दोनों को हम कंपेयर करते होते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैंने चार पॉइंट्स आपको दिए हैं, ठीक है, और अगर इन पॉइंट से पास करेगी वो उसको हम क्या कहते हैं, इंटरप्रेटिंग का। अगर इनसे क्या करेगी, अप्रॉक्सीमेट करेगी, तो वो हमारे पास क्या होगी, ये जो हमारे पास कर्व है ये हमारे पास क्या है, इंटरपोलेटिंग कर्व है, ठीक है। ये जो दरमियान वाली कर्व है ये हमारे पास क्या है, अप्रॉक्सीमेट है, ठीक है, इंटरपोलेटिंग और अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। तो अगर आप देते हैं प्रोग्राम से अगर कोई नंबर देनी है तो वो भी मैं दे देता हूँ। हमारे पास ये प्रोग्राम को डिस्कस कर रहे थे, ये हमारे पास क्या था, इंटरप्रेटिंग का था, ठीक है ना। हम ऐसा करते हैं कि इसमें हमारे पास एक टर्म हम जनरेट कर लेते हैं, ठीक है, इसमें हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, आपको
बेसिकली ये जो सावधानी इसमें हम देखना चाह रहे हैं मैं जहाँ पे टूट
था, तो आप गौर करेंगे आपके पास क्या आ जाएंगे। अगर आ रहे हैं ना यस सर, जो कारण जो है ना वो कार पावर पॉइंट इसमें आ रहे हैं, इतने सारे हैं। ठीक है, अच्छा आप इसमें से थोड़ा सा ये चीज़ें आप लोगों को दिखा इसलिए रहे हैं कि बाद में ये काम आप लोग क्या करते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी सब्जेक्ट हो सपोज मैं पाँचवें लेवल में चला जाता हूँ तो आप इसमें मुझे बताएं कुछ लाता कुछ भी नहीं है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन सी कार्रवाई है, इंटरपोलेटिंग। अगर ये पास ना करती तो फिर क्या होती, ठीक है, एक हमारे पास क्या है इंटरपोलेटिंग और दूसरी हमारे पास क्या है थी अप्रॉक्सीमेटिंग। इंटरपोलेटिंग और अप्रॉक्सीमेटिंग के डिफरेंस का पता चल गया है, चार पॉइंट लिए हैं, पॉइंट को हमने थोड़ा बड़ा किया, ये कार उसी के दरमियान से क्या कर रही है पास कर रही है, कि ये जो कार्रवाई हमारे पास ये क्या है इंटरपोलेटिंग करना। अगर इससे पास ना करते वो क्या होती अप्रॉक्सीमेटिंग, यही चार पॉइंट हम उसको देते। ठीक है, और कार क्या कर रही होती अप्रॉक्सीमेट कर रही होती, तो कल इंशाल्लाह अप्रॉक्सीमेटिंग के एग्जांपल के साथ देंगे, तो इसके साथ ये आज की क्लास एंड करते हैं क्लास।